हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस सीए लवली भगत। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू सीए सैलरी इन इंडिया 2023, जिसमें और भी कुछ डिस्कस होने वाले हैं जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग सीए सैलरी पैकेजेस इन इंडिया, सीए सैलरी इन इंडिया, सीए सैलरी ऑफर्ड बाई डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया, डज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अफेक्ट द सीए सैलरी, एंड एट लास्ट टिप्स टू अर्न हाई सैलरी इन इंडिया। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला पॉइंट ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सीए सैलरी पैकेजेस इन इंडिया। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सीए सैलरी इन इंडिया, जैसे एक्सपीरियंस, स्किल्स, जॉब प्रोफाइल, लोकेशन, सीए रिजल्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर सीए एग्जाम एक्सेट्रा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सीए सैलरी इन इंडिया। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन इंटरनेट, द एवरेज सीए सैलरी इन इंडिया इज बिटवीन 8 to 9 lakhs पर एनम, विच कैन गो हाई अप टू 50 to 60 lakhs। However, the starting salary of a fresher CA cleared in many attempts will be around 8 to 9 lakhs per annum. For the fresher CA cleared in first attempt will be around 12 to 13 lakhs per annum. And for the topper, it will be around 15 to 20 lakhs per annum. अब हम लोग डिस्कस करते हैं CA salary offered by different sectors. पहला है Big 4 CA firms. Big 4 CA firms जैसे ENY, PwC, Deloitte, KPMG, जहाँ हज़ारों स्टूडेंट का सपना होता है जॉब करना, एंड दीज बिग फोर्स आर अमॉन्ग द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड पे हाई सीए सैलरी इन इंडिया। अगर एवरेज सैलरी का बात किया जाए बिग फोर सीए फॉर्म में तो अराउंड 6 to 8 lakhs पर एनम फॉर फ्रेशर्स, बट आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दिस फॉर्म कैन ऑफर अप टू 25 lakhs पर एनम ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड स्किल। और अगर MNC और FMCG के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको 18 टू 25 लाख पर एनम मिल सकता है, बट फॉर दिस यू नीड टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 एज दे ओनली हायर रैंक स्टूडेंट्स। और अगर आप CA फॉर्म में जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अराउंड 6 टू 8 लाख पर एनम हो सकता है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन करके बाद में खुद का भी CA फॉर्म खोल सकते हैं, सो इट्स अ विन विन ऑफर फॉर यू। नेक्स्ट, IT कंपनीज में फॉर फ्रेशर CA अराउंड 8 टू 10 लैक्स पर एनम मिल सकता है। यहाँ पर वर्कलोड जनरली कम रहता है इन कंपेयर टू बिग फोर CA फॉर्म। बैंक्स में भी आपको स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 8 टू 10 लैक्स पर एनम मिल सकता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 7 टू 8 लैक पर एनम के रेंज में रहता है। अब बात करते हैं डज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर टू गेट जॉब और टू गेट डिजायर्ड CA सैलरी। वेल, अटेम्प्ट्स टू मैटर करते ही है टू गेट गुड जॉब और योर डिजायर्ड सैलरी, बट योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन कैन लीड यू टू अचीव योर डिजायर्ड जॉब एंड सैलरी बोथ। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जो 2 से 3 अटेम्प्ट्स लिए हैं और बिग फोर ज्वाइन किए हैं विद अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ₹6 lakhs पर एनम और 8 lakhs पर एनम अराउंड, बट विद ए हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे हैव अर्नड अ डिजायर्ड सैलरी विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 5 years। सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड विद योर अटेम्प्ट्स। अब बात करते हैं टिप्स टू अर्न अ गुड सैलरी इन इंडिया। पहला है गेट हाई रैंक इन सीए एग्जाम। सेकेंड है क्लियर सीए एग्जाम विद लेस अटेम्प्ट। थर्ड है अपग्रेड योर नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फोर्थ है ज्वाइन अ गुड आर्टिकलशिप फर्म। फिफ्थ है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स से जिन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे और जिनका आर्टिकलशिप एक्सपोजर भी अच्छा नहीं था, सो यू गाइज डू नॉट गेट डीमोरलाइज। आजकल काफ़ी ऐसा एडवांस कोर्स निकल गया है जिन्हें अगर आप करते हैं तो फिर इट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट योर डिजायर्ड जॉब, जैसे थिंकिंग ब्रिज, जहाँ से मैंने भी कोर्स किया था, विच हेल्प मी टू क्रैक माई इंटरव्यू इन KPMG। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, एंड एट लास्ट यू विल डेफिनेटली रॉक। सो गाइज, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि द सैलरी फिगर्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर नॉट द फाइनल। इट मे इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आई हैव मेड दिस प्रेजम्पशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट रिलेटेड टू सीए सैलरी। थैंक यू।